हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आज हम लेक्चर 5 बेस्ड ऑन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स के बेस्ड एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये आपको पता है ईसीएस पे 90 डेज प्लान चल रहा है, जिसमें प्रियांशु दुबे सर के द्वारा ऑलमोस्ट पॉलिटी कवर करा दी गई है। अब नेक्स्ट हिस्ट्री स्टार्ट होगी, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सर के साथ कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे इन 3 चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस। सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं तो कोई खास क्वेश्चन मैं नहीं समझती कि यूपीपीसीएस में बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक कवर करता है। और जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये आर्टिकल 11 के ऊपर आया है। इससे ज्यादा सिटीजनशिप में कोई एमसीक्यू नहीं बन सकता है। तो बाकी हम आज एमसीक्यू देखते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको बताना है कि जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किन आर्टिकल्स के साथ डील करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, बी आर्टिकल 1 टू 5, सी आर्टिकल 1 टू 6 या फिर डी नन ऑफ द अब। आपको बताना है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये किन आर्टिकल्स के साथ डील करता है। सही ऑप्शन है ए आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। अभी मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 में दिया हुआ है। तो पार्ट 1 जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये 1 से लेके 4 आर्टिकल तक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में लाया गया। दूसरा, ये अभी भी जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये अभी भी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 बी इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन एकदम सही है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट, यानी कि जो कि फंडामेंटल राइट्स साथ थे, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद 6 रह गए और राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसमें उसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, बस अब फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से उसे हटा दिया गया है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300 बी नहीं 300 ए में पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन एकदम सही है। तो सही ऑप्शन हो गया ए ओनली वन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो स्टेट की डेफिनेशन है वो इंक्लूड करती है नॉन स्टेचुटरी यानी कि गैर सांविधिक संस्थाएं, जैसे कि LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा। दूसरा, ये जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन है उसमें प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो कि स्टेट के अंतर्गत या अधीन रहते हुए काम कर रही है वो भी आती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। आर्टिकल 12 जो कि स्टेट की डेफिनेशन देता है, हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 स्टेट डिफाइन करता है कि जो आर्टिकल 12 से लेके 35 में फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें जो स्टेट का प्रयोग हुआ है वो स्टेट क्या कहता है, स्टेट कौन कौन सी निकाय हैं। तो स्टेट के अंतर्गत ये नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज यानी कि गैर सांविधिक संस्थाएं, LIC, ONGC, सेल जैसी संस्थाएं भी आती हैं, और इसके अंतर्गत कोई भी प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो कि स्टेट के अधीन रहते हुए काम कर रही है वो भी आती है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सी बोथ 1 एंड 2। फंडामेंटल राइट्स के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला, इनका एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस सर्विसेस, इस तरीके की किसी भी फोर्सेस के ऊपर इनका एप्लीकेशन जो है उसको पार्लियामेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दूसरा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सेक्रोसेंक्ट या फिर परमानेंट होते हैं नेचर में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कथन फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में सही है। तो पहला कथन एकदम सही है कि पार्लियामेंट चाहे तो जो ऐसी स्पेशल सर्विसेज हैं, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, ऐसी तरीके की फोर्सेस हैं उनके मेंबर्स के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन है इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं,
यानी कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स का कोई बंदा या आर्म फोर्सेस का कोई बंदा कल को कहे कि जी हमारा तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और हम जो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं हम उनको बताना चाहते हैं प्रेस में, तो ऐसा ये नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट ऐसी चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये आर्टिकल 33 कहता है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। फंडामेंटल राइट्स क्या परमानेंट है नेचर में? अगर परमानेंट होते तो क्या कभी भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हमने पढ़ा जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया ऐसा कभी हो पाता? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो एक फंडामेंटल राइट था, और अगर ये फंडामेंटल राइट परमानेंट नेचर के हैं जिनको कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता तो इसे कैसे हटा दिया जाता? तो ये एक अपवाद है और ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर ये परमानेंट नेचर में है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है नेचर में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है। हाँ बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए ओनली वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जो ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बीइंग्स की, इसके निषेध के बारे में या फिर फोर्स्ड लेबर के निषेध के बारे में आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज या माइंस जैसी जगहों पर, इसका जो प्रोहिबिशन है ये आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों इंटरचेंज हैं। आर्टिकल 23 कहता है ट्रैफिकिंग और ह्यूमन बींग्स में या फिर फोर्स लेबर के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और माइंस के प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है। तो बच्चे हमेशा बाद में आते हैं, तो आर्टिकल 23 जो है वो पहले ट्रैफिकिंग की बात करता है ह्यूमन बींग्स में और बेगार बेगार की बात करता है, और आर्टिकल 24 जो है वो चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को फैक्ट्रीज या माइंस में रोकता है। तो इसमें क्या सही हो गया? डी नीदर वन नॉट टू। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही है। क्या आर्टिकल 27 आपको ये आजादी देता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर पाए? क्या आर्टिकल 28 आपको किसी भी तरीके के टैक्सेस किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए पेमेंट करने से रोकता है? क्या ये कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है? क्या आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर की प्रोटेक्शन की बात करता है? आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। आर्टिकल 29 यही बात करता है माइनॉरिटीज की लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर के प्रोटेक्शन की, तो आर्टिकल 29 एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। हालांकि जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है ये आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है, और पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन जैसे कि एक जजिया होता था पुराने जमाने में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, मुगल एम्पायर के टाइम पे, तो ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा टाइप का टैक्स हो गया जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए लगाया जा रहा है। तो इस तरीके के किसी भी तरीके के टैक्सेस को हटाया गया है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप पेमेंट करें ऐसे टैक्सेस का, कोई ऐसा आपके ऊपर बाध्यकारी कोई नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। सही ऑप्शन हो गया बी ओनली थ्री। आपको निम्नलिखित फंडामेंटल राइट्स पर विचार करना है कि ये क्या किसी फॉरेनर के लिए अवेलेबल है या नहीं। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, या फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधी को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है। तो आपने पढ़ा होगा कि फॉरेनर्स के लिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 है कि एक ऐसे
इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 15 हमें पता है फॉरेनर्स के उसमें आता है, तो इट इज अवेलेबल, पहला सही। दूसरा, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि क्या कहता है ये कि अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 हमने अभी देखा कि इन पांचों आर्टिकल्स में नहीं आ रहा है, यानी कि ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन ये गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया, ए, ओनली वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 361 क्या कहता है, वो राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण देता है। दूसरा, आर्टिकल 361A जो है वो किसी भी तरीके की सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, किसी भी तरीके के न्यूज़पेपर में कोई पब्लिकेशन हो या किसी भी तरीके की टेलीविजन या रेडियो पे कोई पब्लिकेशन हो, किसी भी ट्रू रिपोर्ट के आधार पर भी जो कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में कहा या बोला गया हो, इस तरीके के किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग के खिलाफ संरक्षण देता है आर्टिकल 361A। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं। आर्टिकल 361 राज्यपाल और प्रेसिडेंट दोनों को ये इम्यूनिटी देता है, संरक्षण प्रदान करता है, कि जो हम कहते हैं कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट नहीं चल सकती जब तक ये ऑफिस में है। अगर सिविल प्रोसीडिंग भी चलानी है तो कितने टाइम का वो देना पड़ेगा इनको नोटिस, 2 महीने का, 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा ऐसी किसी भी प्रोसीडिंग को चलाने से पहले। और आर्टिकल 361A इसी तरीके की इम्यूनिटी किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या फिर पार्लियामेंट के इंसान को देता है कि वो कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है अगर, तो वो उसके लिए लायबल नहीं है। तो आर्टिकल 361 यही कहता है और 361A भी यही कहता है। दोनों ही ऑप्शन सही है, सी, बोथ 1 एंड 2। इसमें एक थोड़ी सी गलती है इस क्वेश्चन में, इज आर अवेलेबल टू फॉरिनर्स नहीं, ये करेक्ट कौन से हैं इनमें से। आपको बताना है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इस एक्सप्रेशन को किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 20 तीन तरीके के प्रोटेक्शन देता है कि किसी भी अपराध के अंदर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लगेगा, यानी कि अगर आज मुझे कोई सजा दी जा रही है तो वो आज के जो नियम है, कानून है, उनके हिसाब से दी जाएगी, ना कि कल अगर कोई कानून चेंज हो गया और मुझे आज सजा दी जा रही है तो मेरी सजा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है निर्भया कांड। निर्भया कांड के दौरान जो 18 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए किसी भी तरीके का ऐसा कोई कन्विक्शन नहीं दिया गया था, उनको बस रिहैबिलिटेशन सेंटर में 3 साल गुजार के छोड़ दिया जाना था। तो ऐसा ही एक इसके कन्विक्ट के साथ किया गया, जिसको आसानी से 3 साल इस तरीके के रिहैब में रह के आराम से छुट्टी मिल गई। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन लाया गया इस एक्ट में, और इसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान रख दिया गया है। तो लेकिन अब क्योंकि ये बाद में हुई है, ये चेंजेस बाद में हुए हैं और ये अपराध पहले हो चुका था, तो ये जो डेथ सेंटेंस का ऐसा जो नया जो चेंजेस है ये इस उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता इस केस पर। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी, एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको खुद के लिए गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में। आपको बताना है संविधान एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए, ये किस किन प्रोविजन से गारंटी करता है। आपके ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इनमें से किन किन के अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो गारंटी करता है। तो आपको पता होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 तरीके की चेंजेस लाए गए। सबसे पहला लाया गया फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें 21A को जोड़ दिया गया,
जो हमारा कहता है कि एजुकेशन फॉर ऑल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, कहां से कहां तक, 6 से 14 साल के बच्चों को। फिर हमने डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 साल से छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रावधान किया। और ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई। तो तीनों ही के द्वारा एजुकेशन की गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव डी। इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको प्रियांशु दुबे जी सर के चैनल पर जुड़ना है ऑफिशियल, तो आप प्रियांशु दुबे 123 टेलीग्राम पे इनका चैनल है, इस पे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डेली लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। सर जो भी एडिशनल एडिटोरियल्स और टेस्ट लेते हैं उनमें भी आप जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक पे जुड़ने के साथ। और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, इनसे आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज इन्हें लाइक शेयर करें, कमेंट करें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।